नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं कि आप आरएमएस का फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी और इस पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आपने इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, कुछ सर्कल्स हैं जो आपने फिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में आता हूँ। इसी के बैक साइड में इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, तो मैं फटाफट से इस इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, आपको वही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन आपने यूज़ करना है टू डार्कन द सर्कल्स। जो सर्कल्स को आप डार्क करेंगे ब्लू या ब्लैक पेन से करेंगे, और आपने जितने भी कॉलम्स हैं वो कैपिटल लेटर से भरने हैं। ऑल डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो ये बोल रहा है कि आप जो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपसे मांगेगा वो तीन अलग अलग आपको देने हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। और एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है 3.5x4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की, वो स्टेपल नहीं करनी है आपने। ठीक है, उसको पेस्ट करना है। आपने कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है अलॉन्ग विद पेरेंट्स या गार्जियन का नाम के साथ। ठीक है, पोस्टल एड्रेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल एंड नॉट फोटोकॉपीज टू बी सबमिटेड। जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका बैक पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, इसका फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनली हमें सबमिट करना है डिजायर्ड आरएमएस स्कूल में। इनकम्प्लीट अनसाइंड रॉन्गली फील्ड विदाउट फोटोग्राफ्स फॉर्म शिल बी रिजेक्टेड। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ, प्रॉपरली साइंड नहीं है या गलत फिल किया है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 20 अक्टूबर, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं फॉर्म के पहुंचने की, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 20 तारीख को भेज रहे हैं, 20 तारीख को फॉर्म डिजायर्ड आरएमएस पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल बी रिजेक्टेड। तो साफ साफ इन्होंने कहा है आरएमएस वालों ने कि अगर लास्ट डेट के बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे विदाउट इंटीमेशन, बिना आपको बताए। डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स, और उसके और अगर आपने दो एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स आपने भेजे एक ही कैंडिडेट के, तो तब भी बिना बताए बच्चे का जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन कब है इसका? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर इसका एग्ज़ाम है 2019, और उस दिन संडे है। ठीक है, हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, ये हिंदी में है तो मैं आपको वैसे तो बता ही चुका हूँ। बैक साइड में इन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के कोड, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कोड, एवरीथिंग इज़ गिवन। ठीक है, हॉस्पिटल के कोड्स, ये सारे हमें कोड्स भरने पड़ते हैं फॉर्म में। ठीक है, तो चलो फॉर्म में आते हैं बेटा, इट्स वेरी इजी। चलो फॉर्म, ये फॉर्म है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ऊपर का सेक्शन आप लोगों के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि आप ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एडमिशन फॉर विच क्लास, अगर हम पहले कॉलम में आए तो यहाँ पर अगर 6th क्लास का बच्चा है तो ही विल राइट 6, 9th वाला 9th लिखेगा, और फिर इसको आपने ऐसे डार्क करना है। ठीक है, लाइक दिस, ओके, और आराम से करना, प्रिसिशन के साथ करना, ऐसा नहीं कि बाहर आ जाए। ठीक है, ओके। कैटेगरी में बेटा कैटेगरी यहाँ पर सारी दी हैं, जे सी ओज के साथ OR, ठीक है, जनरल, OBC, SC, ST, ठीक है, किल्ड इन एक्शन, सिविलियन ऑफिस, SC, ST, ये सारी कैटेगरीज आपको 7 कैटेगरीज दी हैं, और उसके बारे में आपको इन डिटेल बैक साइड दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये कैटेगरीज़ के कोड्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, कैटेगरी 1 JCO एंड OR, जनरल या OBC कैटेगरी वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपके सर्विंग हो या रिटायर्ड JCO हो एंड OR ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स नेवी, जो SC ST नहीं है वो ये कोड डालेंगे। हिंदी में साफ साफ लिखा है, सेना के जितने भी सेवारत एवं रिटायर्ड JCO एवं अन्य रैंक। ठीक है, OR का मतलब क्या है, अदर रैंक्स। ठीक है, अदर रैंक्स जो आर्मी के हैं वो, और इक्विवेलेंट एयरफोर्स या नेवी। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको इन डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ सारी कैटेगरीज को, क्योंकि फॉर्म में आप लोग पढ़ लेंगे बहुत ईजिली, ओके। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर डालना है। अगेन एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहली चॉइस डालना नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहली चॉइस, तो तीनों चॉइस डालनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, आपने तीनों चॉइसेस भरनी है बेटा, किसी भी एक चॉइस को छोड़ मत देना। उसके बाद
और सारी इसके बैक साइड में गिवन है एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी सेंटर आपके पास है आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आरएमएस स्कूल की आपने क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो वो बेटा आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आरएमएस हैं सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी आरएमएस को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आरएमएस यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है। ये आपके 5 आरएमएस हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, ये भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है, ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो देख लीजिएगा पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। 2nd राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर है, 3rd बेलगांव है, 4th बेंगलुरु और 5th ढोलपुर, ठीक है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप ये प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलम की, तो नेक्स्ट कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना और सर्कल को डार्कन करना। चॉइस ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप, ये भी आपको बैक साइड में दिया है, इसमें लिखा भी है रेफर ओवर लीफ फॉर हॉस्पिटल कोड्स, तो बैक साइड में हॉस्पिटल कोड्स सारे दिए हैं, ओके। अच्छा, उसके अलावा अब नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, ठीक है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, तो बेटा अगेन सब आपको कैपिटल लेटर से करना है, साफ साफ लिखा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे अगर विक्रांत मिश्रा किसी बच्चे का नाम है, तो VIKRANT विक्रांत, एक स्पेस और मिश्रा, MISHRA, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर फादर का नेम लिखेंगे, मदर का नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी है, तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी विदाउट स्पेस, ठीक है, @gmail.com, ओके। उसके बाद किस राष्ट्रीय स्कूल में बच्चे का भाई पढ़ रहा है, अगर आपका कोई ब्रदर किसी आरएमएस में पढ़ रहा है, तो वो आप मेंशन करिए। नाउ अब ये स्पेस जो गिवन है बेटा, इस स्पेस में आपने अपनी फ़ोटोग्राफ फिक्स करनी है, ठीक है। फ़ोटो को अटैच नहीं करना, इसके ऊपर आप साइन वाइन कुछ मत करना। नीचे यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर होंगे, जैसे विक्रांत मिश्रा है, तो यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर विद पिन, ठीक है, यहाँ पर पिन नंबर भी आएगा, और पिन कोड आपने यहाँ पर भी मेंशन करना है, और सर्कल को डार्क करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लेना, और यहाँ पर साइन आएंगे पेरेंट्स के या गार्जियन के, ठीक है, यहाँ पर साइन आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो आर्मी पर्सनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है या डिफेंस पर्सनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो येला कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम में अगर आपके फादर आर्मी में हैं, तो उनकी पेरेंट यूनिट या उनकी रेजिमेंट कौन सी है, वो यहाँ फिल करेंगे, या आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। जिनके भी पेरेंट्स आर्मी में, वो उनको ईजिली बता देंगे। उनका जो रिकॉर्ड ऑफिस है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर उनके रिकॉर्ड ऑफिस का नाम आएगा। यहाँ पर उनका व्यक्तिगत नंबर, उनका जो पर्सनल नंबर है जो उनको आर्मी से मिलता है, वो आएगा। यूनिट का पिन नंबर आएगा, और यहाँ पर CO केयर ऑफ या आर्मी पोस्टल ऑफिस APO, ये उनको मालूम रहता है। यहाँ पर 56 आएगा या 96 आएगा, ये आप अपने फादर से पूछ लीजिएगा, उनको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, अपने पेरेंट्स का आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, और उसको डार्कन करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और इस फॉर्म को आपने, आपको साथ में एक छोटा सा एनवलप मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही एनवलप होगा छोटा सा, और उस फॉर्म को इस छोटे से एनवलप में, ये ब्राउन कलर का एनवलप है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का एनवलप है, स्कैन करके ये वाइट दिख रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा एनवलप है, इस एनवलप में आपने उस फॉर्म को डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है, साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आएगा, जो कि फॉर्म के ऊपर है, ठीक है, जो मैंने आपको शो नहीं किया है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, मैंने उसको डार्क कर लिया है, ठीक है। वो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आप बाहर एनवलप में भी लिखेंगे, ठीक है, और वो आपके बुकलेट में भी मेंशन होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म नंबर है, इस फॉर्म नंबर को आपने, ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। चॉइसेस ऑफ एग्ज़ाम जो आपने अंदर दिए हैं, वो आप बाहर भी मेंशन करेंगे, और फिर कैंडिडेट का एड्रेस आएगा यहाँ पर, पिन कोड, टेलीफोन नंबर के साथ, और यहाँ पर 2 RMS, जिस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप भेजना चाहते हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा, ठीक है।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कंप्लीट एड्रेस आपको उनके ब्रोशर के बैक साइड में मिल सकता है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तरीका है आरएमएस के फॉर्म भरने का। इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेरी पेरेंट्स को हो तो आप कमेंट बॉक्स में और या नीचे दिए नंबर्स पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।